इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। दो बसों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, वहीं एक यात्री की मौत हो गई। हादसे में 40 यात्रियों के घायल होने की खबर है, इनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल हादसा सिमरौल के बाईग्राम में हुआ। जानकारी के अनुसार आर्या ट्रेवल्स की बस खंडवा से इंदौर जा रही थी। यादव ट्रेवल्स की बस इंदौर से खंडवा की ओर जा रही थी। बाईग्राम के पास मोड़ पर आर्या ट्रेवल्स की बस ने एक वाहन को ओवरटेक किया और दोनों बसों की आमने सामने तेज भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद घायलों की रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी। बच्चे भी रोड पर रो रहे थे। आर्या बस के ड्राइवर के दोनों पैर बस के अंदर फंस गए थे। क्रेन की मदद से ड्राइवर को बाहर निकाला गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची 4 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को इंदौर के MY अस्पताल भिजवाया गया। आपका नाम क्या बताओ पहले? सुनील कुमार शुक्ला। आप कहाँ के रहने वाले हो? झारखंड पलामू डिस्ट्रिक्ट। आप कौन सी बस में उतरे, कहाँ से जा रही थी? खंडवा से इंदौर आ रही थी उज्जैन जाने के लिए। आपको दर्शन करने आना था? नहीं सर, हम लोग काम करने जा रहे थे। हम लोग 2 आदमी थे और टोटल पूरे सीट भरी हुई थी सर। आमने सामने सर ओवरटेक करने में गाड़ी बहुत तेज थी। किसी स्पीड में गाड़ी तेज थी सर, दोनों की। सर बोले ना कि दोनों सीट में। सुनील कुमार शुक्ला। ये अंधेरी घाटी है ना, इंदौर से जो अंधेरी घाटी जो पार कर देते हैं, इसके बाद भी है सर। कितना बजा? सुनील कुमार शुक्ला। लगभग 27-28 मरीज अभी आ चुके हैं। सबके इलाज की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। सारा स्टाफ लगा दिया, हमारे डॉक्टर की संख्या भी बढ़ा दी है, हमारे नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई है, और जो हमारे UDS स्टाफ है सभी लोग लगे हुए हैं। अभी हम लोग उनका देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं कि उनमें से कितने गंभीर हैं। कुछ की हालत गंभीर दिख रही है, तो अभी हम सबका भी इलाज प्रारंभ हो चुका है और हम देखते हैं अभी कितना क्या है, कितनी गंभीरता है मरीजों में, और उसके हिसाब से फिर हम बाद में आप लोगों के साथ बात करेंगे। अभी 27-28 की सूचना मिली थी, लगभग सभी इतने तो आ चुके हैं अभी तक मरीज। और बाकी अगर कुछ और भी आएंगे तो उनके लिए हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है। हम जो भी अगर कोई मरीज और भी आते हैं तो उनके लिए हम पूरा इंतजाम हमने कर रखा है, व्यवस्था कर रखी है। नहीं फिलहाल नहीं है, लेकिन अभी कुछ गंभीर हालत में है तो देखते हैं अभी क्या उनकी स्थिति एक्चुअल में, हम असेस करेंगे। अभी वो पूरा अभी देख रहे हैं उसको कि कितने क्या है, कौन से कौन महिलाएं पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, पूरा करके हम आपको पूरा जो बना के एक पूरा कंप्लीट आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। डॉक्टर पी एस ठाकुर अधीक्षक एम्बा अस्पताल इंदौर। सर क्या हादसा हुआ है बस का? ये आज सिमरौल थाना क्षेत्र के बाईग्राम के अंतर्गत ये जो बस खंडवा तरफ से आ रही थी और एक खंडवा जा रही थी, इन दोनों बसों की आमने सामने भिड़ंत हुई है। इसमें लगभग अभी जो संख्या ज्ञात हुई लगभग 20 से 22 लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए MIS अस्पताल रेफ़र किया गया है। इसमें जो दोनों बसों के जो ड्राइवर हैं उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है और अभी उनको फिलहाल मौके से रवाना किया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से, और बाकी बसों को मुख्य सड़क से हटाकर साइड में कर दिया गया और यातायात सुचारू रूप से संचालित कर। तो कोई डेथ वेथ किसी की? अभी फिलहाल किसी की डेथ होने की पुष्टि नहीं हुई है, सभी इलाजरत हैं हमारे इसमें। तो कौन सी ट्रेवल्स की बसें थी ये? अंजलि और अथर्व ट्रेवल्स की बसें थी जो आपस में इनकी टक्कर हुई है। सर पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं तो क्या कोई एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है पुलिस की ओर से? लगातार बीच में चेकिंग अभियान चलाया जाता है, ड्राइवरों को सख्त हिदायत दी जाती है। यातायात के काफ़ी जो नियम हैं और यहाँ पर जो सड़क में जो चीज़ों की कमी थी, सड़क जो ख़राब थी वो ठीक करवाई गई है, शोल्डर्स वगैरह ठीक कराए गए हैं, लेकिन इसमें चूंकि ड्राइवरों की ओवरटेक अभी प्रथम दृष्टया समझ में आई, इस कारण से हादसा हुआ है। महिला बच्चे भी थे इसमें? सभी महिला बच्चे पुरुष सभी जो घायल हुए सभी को इलाज के लिए MIS भेजा गया। बहरहाल सभी घायलों का MY अस्पताल में इलाज जारी है और इस मामले की पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।